गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम लोग जा रहे हैं सुबह सुबह ही बीकानेर। स्पेशली हमें किसी ने बताया था कि छोले भटूरे ना उधर से ही मिलते हैं। हमने बहुत जगह ट्राई किया बट वो वाला अपना टेस्ट नहीं मिला हमें, दिल्ली वाला ना। तो अभी हमें किसी ने बताया तो हम वो ट्राई करने जा रहे हैं। और बस बेबी ये रेडी हो रही है, ऑलमोस्ट हो गई है, बेबी शूज पहन रही है, ये भी ये रेडी हो रहा है, मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ, बस थोड़ा सा कॉम पेंडिंग है, कॉम कर लूंगी अभी। बस देखिए बताते हैं आपको किधर का छोले भटूरे बीकानेर के हमें कैसे लगते हैं। छोले भटूरे कैसे खाओगे आप यम्मी फूड? मम्मी को बताओ कैसे खाओगे आप यम्मी? Where are you going? I am shopping in the hotel. Shopping in the hotel? We are going Bikaner. Oh wow. Daddy, yes. Yes. Good baby. Yeah. B2. This one. B2. This one. B1. Oh, wow. Okay, give it to Daddy. Don't go. Any new things to learn and do. Let's go. Yeah, left side. Yeah, go. Where is daddy car, Shaj? Bikaner. Bikaner. Let's go. तो बीकानेर में डैडी हम जा रहे हैं ये अलफुरजान साइड। डैडी अलफुरजान वाला बीकानेर ना। पिका ने तो आज न्यू क्लोथ्स पहने और पिका घूमने जा रहे हैं। हरी प्रसाद, नो टुडे ओनली बीकानेर। हम लोग जा रहे हैं ना फर्स्ट टाइम ट्राई करने छोले एंड भटूरे। यार फ्रेंड्स, हमने बहुत जगह के खाए छोले भटूरे बट हमें इतना टेस्ट आया नहीं। तो एक किसी ने बताया हमें, एक मेरी फ्रेंड ने, ट्राई करते हैं। लेट्स सी।
आ गए अलफुरजान और ये है विला जो हमें सामने दिख रहा है जैसा। हाँ विला ओके। हाँ ये जिम में देखो आप इनका हर ऑलमोस्ट सब बिल्डिंग्स में होता ही है। जैसे हम भी रहते हैं ना तो हमारी जो कम्युनिटी गार्डन वाली उसमें भी ऑलमोस्ट जिम है ही प्रोवाइड किया हुआ। तो ऐसे अलफुरजान वाली बिल्डिंग्स में भी है बट विला काफी एक्सपेंसिव होती है। जैसे हम लोग अपार्टमेंट में रह रहे हैं फ्लैट में तो उससे काफी एक्सपेंसिव है। थोड़ा बड़ा भी स्पेस रहता है। मे बी अगर कोई बड़ी फैमिली रह रही है ना जैसे कोई ज्वाइंट फैमिली या कुछ तो उनके लिए विला सही है। और हम आ चुके हैं बस एंट्री हो चुकी है हमारे अलफुरजान और लेट्स सी यम्मी यम्मी छोले भटूरे खा कर देखते हैं कैसा लगता है। हाँ अलफुरजान पवेलियन मॉल या ही इज माय बैट। Give me tissue. Thank you, boss. Take a bite. This is tissue. What is this? What is this? Book. Give me book. Give me, please. Give me. No. This one. Okay, both, brother. Give me all. Please. आज तो फिर केटी पास जाएंगे। आज तो फिर केटी पास जाएंगे। केटी, हॉर्स, जिराफ, डोंगी। ये देखो हमारे छोले भटूरे आ चुके हैं। यम्मी यम्मी। देखने में तो बड़े डिलीशियस लग रहे हैं। आपको रिव्यू देते हैं इसका थोड़ा टेस्ट करने के बाद कैसे लगते हैं। साथ में सलाद है पोटैटो को कट करके मसाला पोटैटोस। और बेबी के लिए जैसे कि वो मतलब थोड़े काफ़ी स्पाइसी लग रहे थे खाने के बाद बेबी को तो हमने इसके लिए वेज सैंडविचेस ऑर्डर किए हैं। बेबी उसमें बिजी है। बेबी कैसे लगे आपको? भाई मुझे तो सही लगे, मुझे तो अच्छे लगे। बेबी तो चिप्स के पीछे पड़े। Deal done. तो अभी हम अपने भटूरे फिनिश करके छोले भटूरे बेबी को सैंडविच खिलाया और करके आ चुके हैं। बेबी अभी पानी पीने में लगी है
और आपको कैसे लगे भटूरे? 10 में से 7 नंबर भटूरे तो अच्छे थे, पर छोले में बहुत मसाला था तो मुझे छोले पसंद नहीं आए। नहीं मुझे तो अच्छे लगे भाई भटूरे, मुझे तो सही लगे। नहीं क्योंकि हमने और जगह भी ट्राई किया ना, तो मुझे तो सही लगा है बीकानेर वाला। तो ऑयली तो सब जगह ही होता है, अगर भटूरा कहीं खाएंगे ऑयली तो मिलेगा ही भाई, बिना ऑयल के भटूरे जैसे। यू वांट टू ईट चाप? इन्हें चाप भी बहुत पसंद है, इन्हें चाप भी बहुत पसंद है। बट अभी हमें अभी यहाँ पर कोई चाप मतलब टेस्ट जो ऐसा मिला नहीं है अपना इंडिया वाला। इन्हें मुझे तो चाप इतनी कुछ खास पसंद नहीं, बट इन्हें बहुत पसंद है चाप। कभी देखते हैं कभी किसी दिन, भटूरे तो कर लिए। मैं तो दूंगी 10 में से 10 नंबर, इन्होंने तो कट कर। अगर आपको कोई टीचर बना देना तो सबको भाई साहब 100% नंबर दूंगी। नहीं सीरियसली भाई, मैं मेरा हर आदमी का अपना अलग अलग परसेप्शन है, तो मेरा नजरिया ये है कि मुझे टेस्ट अच्छा लगा तो ठीक है। अच्छा गुड, मुझे तो सही लगा ना। चलो अभी हम घर वापस चलते हैं क्योंकि 11:30 से पहले पहले बीकानेर आना होता है। तो हम आ गए, हमने कर लिया, बेबी को बेल्ट लगानी है, इसकी बेल्ट लगा, पूरा दिन में ड्रामे है इसके। विलास दिखा हाँ, तो बस अभी घर जाते हैं, सुबह के 11 बज रहे हैं। हम बस घर जाके फिर वही अपना थोड़ा बहुत देखते हैं। सुबह से हमने कुछ खास नहीं किया, घर ऐसे ही पड़ा है, तो घर का काम वाम, थोड़ा बेबी को नहलाना ये सब। चलिए अभी आपको थोड़ा विला दिखाते हैं, इधर का विला का एरिया बहुत मतलब सही है। विला देखिए, ये देखो फ्रेंड्स, ये विला है, इस एरिया मतलब सही लगती है विला। आज तक हमने अंदर जाकर तो अभी मैंने तो देखा नहीं है, और मुझे बाहर से बड़ा मतलब ब्यूटीफुल इनका व्यू लगता है, बड़ी अच्छी लगती है। ये अल्फुरजान वाली विला है, गार्डनिंग भी रहती है ये भी, तो थोड़ा इसीलिए इनको भी और मुझे भी, हम दोनों को थोड़े प्लांट्स वगैरह का मन होता है कि लगा ले, बट थोड़ा यही है हमारे फ्लैट में थोड़ा धूप का इशू है, धूप थोड़ी सनलाइट कम आती है। वाओ वेरी गुड, अप 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 अप।